आज हम तीन कॉन्सेप्ट्स में डिफरेंस समझेंगे। वॉइड अग्रीमेंट क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड क्या होता है। क्या कभी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जैसी चीज़ होती भी है? आपने बिल्कुल यू नो इट्स अ ब्लंडर दैट पीपल मेक, बट कई बार वो लिखते हैं, आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपका क्या कहना है ना, या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ ग्रामेटिकली एंड लीगली, यू नो नॉट ग्रामेटिकली, ग्रामेटिकली हो सकता है प्राइमा फेसी सही भी लगे, बट लीगली गलत है ये, क्योंकि माइनर का कभी कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। समथिंग विच इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, उसको आप कभी कॉन्ट्रैक्ट बोल ही नहीं सकते, क्योंकि 2H में क्या बोला गया है, क्या है कॉन्ट्रैक्ट? वो अग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। तो तीन कॉन्सेप्ट आज हम समझेंगे और उनमें डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले हमारा वॉइड अग्रीमेंट। इट इज़ वॉइड अग्रीमेंट। सबसे पहले वॉइड अग्रीमेंट होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। व्हाई? क्योंकि वॉइड का मतलब ही, द मीनिंग ऑफ वॉइड इज ज़ीरो। ज़ीरो इन वॉट टर्म्स? ज़ीरो इन द आइज ऑफ लॉ। तो मान लीजिए कि अगर दो आप और मैं हैं और आपके और मेरे बीच में अग्रीमेंट होता है, मैं आपसे बोलती हूँ कि यू नो डू वन थिंग दैट किल, आई टेल यू लिसन प्लीज किल एक्स बिकॉज आई डोंट लाइक हिम, आई विल गिव यू 50,000। एक्स को मार दो, मैं तुमको 50,000 रुपये दूंगी। तुमने सोचा ठीक है, अच्छी डील लगती है मुझे भी, कोई एक्स पसंद है नहीं। तो आप जाके क्या करते हो, यू किल एक्स। बाद में मेरे पास आते हो पैसे लेने के लिए, एंड देन आई से नो आई वॉज किडिंग, मैं नहीं दे रही। तो आप इस पैसे को ले जाके, इस पैसे के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, आप ही नहीं बोल सकते कि नहीं मुझे पैसे दिलवाओ। वाई? बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज वॉइड इन द आइज ऑफ लॉ। क्यों है ये वॉइड? सिंपल सा क्या फंडा है? वाई, हाउ डू यू नो दैट दिस अग्रीमेंट इज वॉइड और नॉट? तो एक सिंपल फॉर्मूला याद रखो कि अग्रीमेंट जब सेक्शन 10 की कंडीशंस फुलफिल कर लेता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल में सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट को क्यों फुलफिल नहीं कर रहा था? क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था वो अनलॉफुल था, है ना। सेक्शन 10 क्या बोलता है कि कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। तो ये सिंपल सा, ये अभी हम सिर्फ बेसिक चीज़ देख रहे हैं। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि वॉइड और इलीगल में डिफरेंस क्या है? वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड इलीगल? अगर मैं आपके साथ अग्रीमेंट करती हूँ कि मैं तुमको 50,000 रुपये दूंगी, तुम शादी मत करना, इट इज़ एन अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग, यस और नो? बट क्या ये इलीगल है? नहीं। तो इलीगल का क्या मतलब है? एनी थिंग दैट इज फॉरबिडन बाय लॉ, जिसके कारण तुम्हें सजा हो सकती है ना। तो इस वाले अग्रीमेंट में जब मैंने तुम्हें बोला कि जाओ एक्स को मार दो, मैं तुमको 50,000 रुपये दूंगी, तो तुम्हें इस चीज़ की सजा भी हो सकती है और तुम इस अग्रीमेंट को एनफोर्स भी नहीं करा सकते कोर्ट में जाके। क्यों? क्योंकि ये वॉइड अग्रीमेंट है और ये इलीगल भी है, राइट? सो समथिंग दैट इज इलीगल कैन बी वॉइड, बट समथिंग दैट इज वॉइड डज नॉट हैव टू बी इलीगल ऑलवेज, है ना। जैसे अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, वेजर अग्रीमेंट जो होता है दैट इज वॉइड, बट ज़रूरी नहीं है कि वो इलीगल, ठीक है। तो वॉइड अग्रीमेंट ये होता है कि जो शुरुआत से ही नल एंड वॉइड हो, ज़ीरो, विच इज़ वॉइड एब इनिशियो। और वो वॉइड एब इनिशियो कब होगा? मान लीजिए पार्टीज कॉम्पिटेंट नहीं है, सेक्शन 10 के अगर कंडीशंस फुलफिल नहीं करे तो दैट इज वॉइड। ऑलराइट, व्हाट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट? वॉइड एबल, समथिंग दैट इज एबल टू बी टू बिकम वॉइड। इसका क्या मतलब होता है कि भाई शुरुआत में तो अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट है वो, ठीक है, विच मीन्स सेक्शन 10 की सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही, बट इट इज एनफोर्सिएबल, इट इज एनफोर्सिएबल
ओनली एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, ओनली एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, ठीक है, एंड नॉट एनफोर्सेबल बाय द अदर पार्टी. मतलब आप और मैं हैं, पार्टी दो पार्टीज हैं, और आपने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट तो करवा लिया बट मेरा कंसेंट गलत तरीके से लिया, फ्रॉड से लिया या कोअर्शन से लिया, है ना, मिस्टेक से लिया, अनड्यू इन्फ्लुएंस से लिया. तो है तो वो कॉन्ट्रैक्ट, सब कुछ सही चल रहा है, पर मेरा कंसेंट सही तरीके से नहीं लिया. तो मेरे बिहाफ पे जब मुझे पता चलेगा कि यार मेरा कंसेंट तो गलत तरीके से लिया, पर मुझे लगता है ठीक है यार गलत तरीके से लिया बट मेरे लिए प्रॉफिटेबल है कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट चलने दूंगी, ठीक है. तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप के होते हैं, इनिशियल और सबसीक्वेंट. ये क्या होते हैं ये हम अपने आने वाले वीडियोस में अलग से डील करेंगे, बट बस इतना समझ लो कि इनिशियल 19 और 19A में दिया हुआ है और सबसीक्वेंट 39, 53 और 55 में दिया, ठीक है. इनिशियल मतलब क्या होता है कि जहाँ पे भी कंसेंट फ्री नहीं है शुरुआत से, कोअर्शन से लिया गया है या फ्रॉड से लिया गया है, कुछ गलत तरीके से कंसेंट लिया गया है, उसको हम इनिशियली वॉइडेबल बोलेंगे. और सब्सिक्वेंट वॉइडेबल वो होते हैं जो अच्छे खासे चल रहे होते हैं, उनका कंसेंट भी फ्री होता है, पर बाद में ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जिसके कारण वो वॉइडेबल हो जाते हैं, ठीक है. तो अगर किसी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करना है तो क्या होगा, अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट बनाए रखना है तो डू यू हैव टू डू एनीथिंग, नो, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, चलने दो, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट तो है ही ना बाबा ऑलरेडी, इट विल कंटिन्यू एज अ कॉन्ट्रैक्ट. बट अगर आपको उसको वॉइड घोषित करवाना है तो वो आपको रिसाइन कराना पड़ेगा, है ना. तो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है. अब तीसरी चीज आती है, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, है ना. अब प्लीज ध्यान रखिएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में और कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड में जमीन आसमान का फर्क है. आप ही नहीं बोल सकते कि मैम आप तो बोल रहे हो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं, दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड. व्हेन आई से समथिंग बिकम्स वॉइड, इसका क्या मतलब होता है कि पहले थे और अब नहीं है. जैसे कल आप, कल की डेट में आप लॉयर बनेंगे, जज बनेंगे, UPSC क्लियर करके हो सकता है IAS ऑफिसर बने, तो यू विल बिकम एन ऑफिसर, अभी नहीं हो पर बन जाओगे, है ना. तो इसका क्या मतलब हुआ कि बेचारा है तो शुरुआत में कॉन्ट्रैक्ट, पर उसके साथ कुछ ऐसा हो गया कि वो वॉइड हो गया. अब ये क्या हो सकता है ऐसा, आप लोगों ने फ्रस्ट्रेशन तो पढ़ा होगा, है ना, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. मतलब कुछ ऐसा सुपर भी नहीं हो गया, ऐसा कुछ हो गया जो दोनों पार्टीज के कंट्रोल में नहीं था, ठीक है, एक पार्टी की डेथ हो गई या बाढ़ आ गई या एक्ट ऑफ गॉड हो गया, कुछ ऐसी चीज़ हो गई जिसमें बेचारी पार्टी का कोई, वो कोविड हो गया, है ना. तो उस केस में दिस कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ अ फुल यू नो फुल्ली वैलिड अग्रीमेंट, विच इज़ अ गुड कॉन्ट्रैक्ट, पूरी सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, कुछ ऐसा हो जाता है कि उसका परफॉर्मेंस ही पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है. वो इम्पॉसिबिलिटी किसी भी प्रकार की हो सकती है, हम फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे भी पढ़ेंगे बाद में कि यू नो लीगल इम्पॉसिबिलिटी हो सकती है, प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी हो सकती है. तो उन पॉसिबिलिटी इम्पॉसिबिलिटीज़ के कारण जो कॉन्ट्रैक्ट था उसकी परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं हो पाई. तो इट वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट इन द बिगिनिंग बट बिकॉज ऑफ सम सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी इट बिकेम वॉइड, ठीक है. तो ये हमारा फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाले केसेस में होता है. अगर आई होप आप लोग को ये बेसिक डिफरेंस समझ में आया होगा. पहला डिफरेंस ये कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कोई चीज़ नहीं होती है, कभी भी ये गलती से भी मत लिखना, हमेशा वॉइड अग्रीमेंट होता है. क्योंकि आप ये दो अगर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हो मतलब ये सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ है, ठीक है. दूसरी चीज़, कभी भी वॉइडेबल अग्रीमेंट नहीं होता है, कभी भी वॉइडेबल अग्रीमेंट नहीं होता है, हमेशा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है. क्यों? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट होता है शुरुआत से, अब पार्टी के ऊपर है जिसका कंसेंट फ्रीली नहीं लिया गया था कि वो रिसाइंड करे या ना करे, ठीक है.
और दूसरी चीज़, कभी भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, बट हाँ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड हो सकता है कुछ परिस्थितियों में।